साल बीत जाते हैं, महीने बीत जाते हैं, बट ये मैनचेस्टर यूनाइटेड की टीम नहीं जीतती, नहीं जीत पाती, ये जो मर्जी कर ले चाहे। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे यार, जो कल रात को मैच हुआ बिटवीन ब्रेंटफर्ड एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड, एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड एज यूजुअल एक और ह्यूमिलिएशन उन्होंने फेस करी एक अवे ग्राउंड पे जाके, एंड उस टीम से जो 2 साल पहले प्रीमियर लीग में भी नहीं थी इवन। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले जाओ यार, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। अगर आपको मेरे ओपिनियंस पसंद आते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कल एज यूजुअल सारे मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस की उम्मीदें थी कि शायद ब्राइटन की हार के बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड बाउंस बैक करेगी एंड ब्रेंटफर्ड को हराएगी, बट हम तो मैनचेस्टर यूनाइटेड है, हम तो सिर्फ उम्मीद ही करते हैं अपने प्लेयर्स से, डिलीवर तो करते ही नहीं हमारे प्लेयर्स, हम कैसे भूल जाते हैं ये। फिर वही हुआ, मैच स्टार्ट होता है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो स्टार्टिंग लाइनअप में होते हैं, एंड देन उसके बाद मैच स्टार्ट होते ही जैसे ही रेफरी ने विसल बजाई तब से लेकर एट द एंड ऑफ द 90th मिनट कुछ भी सही नहीं गया मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए। यूनाइटेड ने विद इन 9 मिनट्स पहला गोल कंसीड कर लिया। लैक ऑफ अर्जेंसी बिटवीन डिगिया एंड हिज डिफेंस लाइन, डिगिया को अगर मैं राउंड ऑफ अप्लॉज भी दूँ कल के जो उन्होंने हरकतें करी हैं तो वो भी कम है। एंड अचानक की बात यह, हैरान करने वाली बात यह है कि डिगिया के ऑप्शन भी नहीं है कोई बेंच पे जिससे कि मैनचेस्टर यूनाइटेड डिगिया को रिप्लेस कर ले। तो डिगिया जितनी मर्जी गलतियाँ कर ले, उनको पता है कि मैंने तो रहना ही है स्टार्टिंग 11 में क्योंकि यूनाइटेड के पास रिप्लेसमेंट ही नहीं है मेरी। एंड देन फर्स्ट गोल के बाद जो मोमेंटम ब्रेंटफर्ड के पास आया, उन्होंने 2 मार दिए 3 मार दिए, एंड देखते देखते विद इन 30-35 मिनट्स यूनाइटेड वर 4-0 डाउन। एंड देन क्या था, वहाँ से कमबैक तो हो ही नहीं सकता था। देन रोनाल्डो ने एक आधा चांस लिया अपना, कन्वर्ट करने की कोशिश करी बट नहीं हुई। बट फिर वही बात आती है कि डिफेंस को बेसिक्स करने ही नहीं आते यूनाइटेड के, मिडफील्ड को पता ही नहीं है उनका क्या काम है। एंड यस, अगर हो सके एरिक टेन हैग तो प्लीज़ नंबर 6 कोई ले आओ यूनाइटेड में, जिसको पता हो बॉल कैरी कैसे करते हैं। बॉल कैरिंग मिडफील्डर है ही नहीं यूनाइटेड के पास, क्रिएटिविटी तो छोड़ दो, बेसिक पासिंग पासेस जो होती हैं वो करनी नहीं आती यूनाइटेड के प्लेयर्स को, चाहे वो मिडफील्डर्स हो चाहे वो डिफेंडर्स हो। एंड आज तो डिगिया, हम सबको पता है वो बॉल प्लेइंग गोलकीपर नहीं है, उनसे एरर्स होते हैं। टेन हैग उनको डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, एज अ बॉल प्लेइंग कीपर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बट नहीं, वो तो नहीं बनेंगे, वो चुतिया पे करेंगे, वो करते रहेंगे क्योंकि उनको पता है उनको कोई निकाल नहीं सकता टीम से। एंड ऑफुल परफॉर्मेंस बाई अवर डिफेंस, हैरी मैगवायर, लिजेंड्रो मार्टिनेज, लिजेंड्रो मार्टिनेज छोटे ही इतने हाइट में, उनसे पहुंचा ही नहीं जाता है बॉल तक, हेडर्स जीत ही नहीं पाते हैं वो। आई डोंट नो, इनको सेंटर बैक खिलाना चाहिए या उनको मिडफील्ड में ट्राई करना चाहिए, बट कल फ्रेड के साथ एरिक्सन खेले, ब्रूनो फर्नांडिस खेले, वो वाली ट्रियो मिडफील्ड की भी नहीं चल पाई। फ्रेड ने चांसेस हगे, एरिक्सन वॉज डिसेंट इन यस्टरडेज मैच, उन्होंने थोड़े बहुत चांसेस बनाए भी, एंड एक उनका हेडर भी था ऑन टारगेट काफ़ी अच्छा। अगर देखा जाए तो यार 60th मिनट में आपको पहला कॉर्नर मिल रहा है अगर गेम का, तो दिस शोज कि सामने वाली टीम आपके ऊपर कितना हावी रही है ऑल द टाइम। एंड ब्रूनो फर्नांडिस, आई डोंट नो उनको 1.5-2 साल से क्या हो गया, वो अपने 100% बेस्ट पे नहीं आ पा रहे हैं, उनको एक अच्छी पोजीशन से बॉल मिलती भी है ले ऑफ करके सैंचो से, एंड वो छक्का मार देते हैं उस पर, आउट ऑफ द ग्राउंड वो बॉल पर जा देते हैं। आई डोंट नो ब्रूनो फर्नांडिस क्या कर रहे हैं, उनका मन भी है खेलने का नहीं। एंड यार देख के बुरा लगता है कि क्रिस्टियानो जैसी लेगेसी खराब हो रही है यूनाइटेड में। एंड ऑब्वियसली यस, जैसे ही मैच ख़त्म हुआ 4-0, सब जगह ट्विटर पे इंस्टाग्राम पे एक ही चल रहा था ट्वीट, ग्लेजर्स आउट मैनचेस्टर यूनाइटेड शेमफुल, इस सब के ही ट्वीट चल रहे थे, इन सब के हैशटैग्स चल रहे थे। देख के काफ़ी बुरा लगता है यूनाइटेड को इस कंडीशन में, एंड करंटली दे आर ऑन 20th प्लेस इन द प्रीमियर लीग, एंड एरिक टेन हैग इज द फर्स्ट मैनेजर इन द 100 ईयर्स ऑफ यूनाइटेड जो अपने पहले 2 मैचेस हारे हैं।
एज अ मैनेजेरियल टेन्योर विद यूनाइटेड, पहले मैनेजर है वो ऐसे 100 ईयर्स में यूनाइटेड के। एंड वहीं पे अगर हम बात करिए यूनाइटेड की फिर से, तो उन्होंने दोनों मैचों में एक भी गोल नहीं मारा है, तो दिस शोज कि कितने लैक ऑफ अर्जेंसी है। बेसिक्स उनको नहीं पता कि डिफेंडिंग कैसे करते हैं, मिडफील्ड पे पोजीशनिंग कहाँ पे होनी चाहिए हर एक मिडफील्डर की वो नहीं पता, अटैकर्स तो हमें दाद देनी पड़ेगी। रोनाल्डो को अगर हम छोड़ दें, रैशफर्ड बिल्कुल ट्रैश, बिल्कुल गार्बेज वो बंदा है बिल्कुल। आई डोंट नो यूनाइटेड कैसे पीएसजी से 120 मिलियन मांग रही है उनके, अगर उनको तो कोई 12 मिलियन में भी ले ले पीएसजी में तो बहुत बड़ी बात है। 120 मिलियन तो कोई भी नहीं देगा ऐसे ट्रैश के लिए। सैंचो आई डोंट नो, डॉर्टमुंड वाले सैंचो हमें एक भी मैच में नहीं दिखे। यस पिछले सीजन हमें एक दो मैच में वो ग्लिम्स दिखी थी, उनकी डॉर्टमुंड वाली झलकियाँ दिखी थी, बट अदर देन दैट उन्होंने कुछ भी नहीं करा है अभी तक दो मैचेस में भी। एंड पिछले सीजन भी उनके 3 गोल सिर्फ और 3 ही असिस्ट थे। एंड बहुत ही बड़ी खुशखबरी यूनाइटेड फैंस के लिए ये है कि अगले हफ्ते उनका मैच है लिवरपूल के साथ, जो कि पिछले साल जिन्होंने उनको 9-0 ऑन एग्रीगेट हराया था अवे एंड होम पे, हम सबको याद है वो साला हैट्रिक्स, हम सबको याद है कि कैसे डोमिनेट कर रहा था क्लॉप की लिवरपूल ने। एंड अगला मैच उन्हीं से है, एंड एरिक टेन हैग के ऊपर तो अब नाइफ आ चुकी है, एक्सेस आर ऑन एरिक टेन हैग के, कब वो रिस्पॉन्स करेंगे। उन्होंने कह दिया है कि अगर, उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यही कहा है पोस्ट मैच के, अगर मेरे पास 11 ऑप्शंस भी होते, 11 सब्स्टिट्यूट्स होते तो मैं पूरी की पूरी टीम बदल देता। तो दिस शोज के मैनेजर के भी बस की नहीं है, उसकी भी नहीं चल पा रही है मैनेजमेंट के ऊपर, टीम प्लेयर्स के ऊपर, प्लेयर्स रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे उसको। तो देखने वाली बात होगी यार कि कैसे टेन हैग जगाते हैं अपने प्लेयर्स को एंड खड़ा करते हैं लिवरपूल के अगेंस्ट, बिकॉज आई डोंट थिंक कि ये जो ट्रैश टीम है इस वक्त यूनाइटेड की, ये अगले हफ्ते लिवरपूल के अगेंस्ट स्टैंड भी हो पाएगी। लिवरपूल जैसी टीम इनको इजीली 4-0, 5-0 कर देगी जैसे उन्होंने पिछले साल करा था। तो देखने वाली बात होगी कि कैसे टेन हैग इनको खड़ा कर देते हैं, खड़ा कर पाते हैं या नहीं कर पाते यूनाइटेड को। अदर देन दैट इट वॉज ऑफुल परफॉर्मेंस फ्रॉम यूनाइटेड वंस अगेन। एंड आई डोंट नो पिछले सालों में कैसे जोसे मरीनियो ने यूनाइटेड को यूरोपा लीग जितवा दी थी, आई डोंट नो वो कैसे हो गया था पल, कैसे आ गया था वो इनकी किस्मत यूनाइटेड की। अदर देन दैट पिछले 9 सालों में हमने देखा यूनाइटेड एक भी ट्रॉफी नहीं जीती, एक भी कोई सक्सेसफुल उनके सीजन गया नहीं है अदर देन दैट। तो यही उम्मीदें हैं यार कि जल्दी से जल्दी टेन हैग एक्शन ले, एंड हो सके तो प्लीज़ पैनिक साइनिंग्स ना करें। पैनिक साइनिंग्स करेंगे वो तो कुछ नहीं जाएगा, क्लब के पैसे भी बर्बाद होंगे एंड जो प्लेयर्स आएंगे परफॉर्म भी नहीं कर पाएंगे। हो सकता है तो कोई ट्रेडमार्क साइनिंग, कोई बेंच को जिससे बूस्ट मिले, बेंच स्ट्रेंथ भी नहीं है यूनाइटेड की, तो बेंच स्ट्रेंथ ही कम से कम मिल जाए यूनाइटेड को ताकि रोटेशन चलती रहे, वही ऐसा कुछ कर दे टेन हैग तो भी देखने वाली बात होगी कि वो करते हैं कि नहीं करते। वरना ये यूनाइटेड हो सकता है, इट्स अ बिग स्टेटमेंट, बट दे कैन फेस अ रेलीगेशन बैटल दिस सीजन, क्योंकि बहुत ही बेकार लग रही है कॉम्बिनेशन, बहुत ही एक एक प्लेयर बेकार लग रहा है, कोई भी प्लेयर ऐसा स्टैंड आउट नहीं खड़े होके आ रहा जो लगेगा, जो हमें लग रहा है कि यस ये अच्छा सीजन जाएगा इस प्लेयर का, कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं लग रहा। पिछले साल आपको डेविड डगेया ने बचा दिया, रोनाल्डो ने बचा दिया, बट इस सीजन वो दोनों भी ऑफ द फॉर्म लग रहे हैं अभी तक। देखने वाली बात होगी कि वो दोनों प्लेयर्स पर्टिकुलरली कैसे उठाते हैं अपने आप को, एंड डेविड डगेया इतनी खराब परफॉर्मेंस के बाद कैसे खड़े होते हैं। तो यही थी यार आज की वीडियो, अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। पीस आउट।